नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के समर्थन में अमेरिका के तीन सशक्तिकरण। बता दें कि तीन शक्तिशाली सेंटरों ने सेनेट में एक प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में अरुणाचल प्रदेश को भारत के विभिन्न अंग बताते हुए भारत के सर्वप्रभुता और साथ ही क्षेत्रीय अखंडता को लेकर समर्थन किया गया है। इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बदलने के लिए सैन्य बलों के उपयोग में तीन की निंदा की गई है। साथ ही बता दें कि चीन की निंदा की गई है और साथ ही इसके खिलाफ बचाव के रूप में भारत सरकार के कदमों की सराहना की गई है। इस प्रस्ताव को सीनेटर जेफ मार्कले और साथ ही बिल हेंट्री ने पेश किया है। वहीं जॉन कॉनिंग ने इसे समर्थन दिया है और इसे भारत के रक्षा आधुनिकीकरण के समर्थन के साथ ही अरुणाचल के भारत के लिए विकास प्रस्तावों की सराहना की है। इसमें अरुणाचल में भारत के प्रयासों पर समर्थन जाहिर करते हुए इस क्षेत्र में अमेरिका सहयोग को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। हरियाणा के भिवानी में जलती हुई बुलेरो जीप में दो कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतकों की पहचान नासिर और साथ ही जुनैद के तौर पर की गई है। दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। वहीं मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों का भरतपुर से अपहरण किया और उसके बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया। दोनों का शव भरतपुर के करीब 200 किलोमीटर दूर भिवानी के लोहारू में मिला है। माना जा रहा है कि पूरा मामला गौ तस्करी से जुड़ा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है, मामला गौ तस्करी का है या नहीं। हरियाणा के भिवानी में लोहारू के बारवास गांव के पास एक जलती हुई बुलेरो में ये दोनों कंकाल मिले हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वही बता दें कि ये भोपालगढ़ के घांटी गांव के रहने वाले खालिद ने गोपालगंज थाने में दोनों लोगों के अगवा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। जालौन में कानपुर अग्निकांड की घटना को लेकर नजरबंद किया गया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस घर से कैद कर ली है। और आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, इस दौरान उन्हें कैद किया गया। देखिए, जैसा कि हम लोग परसों भी जा रहे थे, आप लोगों को जानकारी है, और परसों भी प्रशासन ने हम लोगों को जाने नहीं दिया है। और जो कानपुर में घटना घटी है जिसने कि पूरे प्रदेश को आंदोलित कर दिया है, सभी कांग्रेसी जन सड़कों पर हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी हम लोग जा रहे थे। तो ये हमारे सारे साथी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष को घर पे नज़रबंद किया हुआ है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये हम लोगों को भी नहीं जाने दिया गया। प्रशासन ने जो पीड़ित परिवार था उसकी सारी बातें मान ली हैं, उसके आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है और मुआवजे की बात भी कही है, अब कांग्रेस से क्या चाहती है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चीजें मान ली गई हैं। बस्ती जिले में समाजवादी पार्टी के नेता ने 5 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस ज्ञापन में गन्ना भुगतान, रोडवेज बस और बिजली बिल सहित बढ़ोतरी सहित अन्य जन समस्याओं के मुद्दों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान बता दें कि जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के लेकर साथ ही बता दें कि प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के दौरान कानपुर की घटना के सवाल पर सपा विधायक ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है और कहा है कि इस तरह की घटना प्रदेश के हर जिले में हो रही है। मीडिया के माध्यम से जगह की घटना पता चल पाता है, वहीं यह दमनकारी सरकार है, लोगों को दबाना चाहती है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के राजू दास ने मारने बता दें कि गला काटने और साथ ही मारपीट के मामले में कहा है कि संविधान पर अतिक्रमण है, लोकतंत्र पर आक्रमण, व्यक्ति की आजादी पर अतिक्रमण है। ये कानों तक नहीं पहुंच रही है, कुंभकर्णी नहीं सोए हुए हैं, ये जब तक नहीं जाग जाएंगे तब तक हम लोग जो है इसी तरीके से धरना प्रदर्शन ज्ञापन करते रहेंगे। इनको जगा के साथ क्या सूत्री मांगों को लेकर आज आप ज्ञापन दे रहे हैं? सूत्री ज्ञापन आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया है। इसमें हमारी मुख्य मांगे है कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है,
इन्होंने 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान करने की बात कही थी, अभी पिछले साल के गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ। हमारे यहाँ वाल्टरगंज चीनी मिल बंद हो गई, लेकिन उसके गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, बरसों से लंबित है। मुंडेरवा चीनी मिल और उधौली चीनी मिल, पिछले साल के गन्ना किसानों का गन्ना भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। छुट्टा पशु जो है फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, आए दिन इससे घटनाएं हो रही हैं। ये रिंग रोड अभी एक प्रस्तावित हुआ है, उस पर जिन किसानों की फसल, जिन किसानों की ज़मीनें जा रही हैं, वहाँ जो है सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है बरसों से। किसानों की जमीन औने पौने दाम पे लेने की साजिश है। हमारी मांग है कि उस सर्किल रेट जो नियम है कि हर साल 10% बढ़ाया जाए, उस सर्किल रेट को बढ़ा करके किसानों का उचित मुआवजा दिया जाए। कासगंज जनपद के सेठपुरा थाना क्षेत्र के गांव सुनहरा में स्थित चमेली देवी इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों ने ओएमआर शीट फाड़ने का मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि परीक्षार्थियों ने बताया है कि आज हमारी कक्षा 10 की हिंदी की परीक्षा थी, जिसमें 20 नंबर के ओएमआर मिली थी। वहीं बता दें कि स्टैंटिक मजिस्ट्रेट अभिषेक ने कहा है कि 4 परीक्षार्थियों की ओएमआर शीट आंशिक रूप से कक्ष निरीक्षण द्वारा फट गई थी। मामले में पूरी जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक कासगंज को मौखिक रूप से दी गई है और लिखित रूप से भी पूरी जानकारी अवगत कराई गई है। स्टैंटिक मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया है कि सभी परीक्षार्थियों की ओएमआर शीट और अन्य परीक्षा की भांति की जाँच की जाएगी और उसमें परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। कौन सी क्लास में? 10th। ये आपका जो एग्जाम है कहाँ पर होना है? श्री चमेली देवी इंटर कॉलेज। आपका हुआ है आज एग्जाम? यस सर। कौन से विषय का? हिंदी का। बेटा आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार। आपने परीक्षा दी है? यस सर। और बेटा आपका क्या नाम है? अधिकांश कचौड़ी। जी अधिकांश कचौड़ी। अच्छा परीक्षा दी आपने, किस विषय का पेपर था आज? अच्छा तो क्या समस्या हुई आपकी, आप तीनों के साथ? वो ओएमआर थी सर, वो उल्टी फाड़ दी। क्या ओएमआर सीट? हाँ। परीक्षा देने के बाद? हाँ। तो किसने फाड़ी है? कच्छ निरीक्षक ने। नाम मालूम है? नहीं सर। अच्छा कितने बच्चों की फाड़ी गई है? सर लगभग मैं 35 बच्चों की। 35 बच्चों की ओएमआर सीट फाड़ी गई है? तो क्यों फाड़ी है, कार्ड क्या है? पता नहीं सर, वो जमा कर ली थी तब उन्होंने फाड़ी। मैंने उनसे पहले कहा कि लाओ अपने खुद फाड़ के दे देंगे, तो उन्होंने कहा हम फाड़ लेंगे बाद में खुद। अच्छा हाँ। तो आपकी फाड़ी गई है? यस सर। तो आपने इसका विरोध किया नहीं किया? यस सर। तो आप क्या कह रही है? वो ये कह रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा फाड़ दी, आप कोई दिक्कत नहीं है? चिपका दी। तो तुमने पूछा नहीं क्या कि फाड़ी क्यों हमारी, फाड़ने का कार्ड क्या बताया? पता नहीं, ये कह रहे हैं मैंने वो सही कर दी। सही कर दी? तो अगर तुम्हारी कॉपी नहीं चेक होती है फिर क्या आप करोगे? किसी अधिकारी को आपने बताया? एफआईआर करेंगे सर। एफआईआर करोगे? हरदोई में हाई स्कूल की हो रही परीक्षा में पहले ही दिन एक मुन्ना भाई और साथ ही नकलची पकड़ा गया है। दोनों के विरुद्ध केंद्र व्यवस्थापक ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बिलग्राम के बाबा मंशुनाथ इंटर कॉलेज के गेट प्रथम पाली की सुरक्षा, बता दें कि पाली की परीक्षा शुरू होने जा रही है, परीक्षार्थियों की भीड़ गेट पर लगी हुई है। वहीं कर्मी तलाशी और पुलिस परीक्षार्थियों का मिलान कर रहे थे और इसी बीच युवक किसी दूसरे का प्रवेश पत्र लेकर मिल गया था, जबकि उसके आधार कार्ड मांगा गया तो मिलान कराने के लिए तो युवक भागने लगा। यदि एक ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और साथ ही उस पुलिस को हवाले कर दिया है। युवक कन्नौज जनपद का रहने वाला अनवर है, जो कि दूसरे की जगह पर परीक्षा देने आया था। संभल के लोगों को कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है। दरअसल सपा जिला महासचिव के बेटे पर शिरफरा व्यापारी ने रिवॉल्वर तान दिया है और साथ ही वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बाइक खड़ी करने को लेकर यह मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद से रिवॉल्वर ताना गया।
कासगंज पुलिस और एसओजी टीम को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने महज 12 घंटे में बाइक सवार लुटेरों की लूट की घटना का खुलासा किया। वहीं लूटे गए माल के साथ 3 शातिर लुटेरों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस और साथ ही चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। वही कासगंज में तेज रफ्तार का कहर भी देखने को मिला है जब तेज रफ्तार पिकअप ने रेलवे फाटक को टक्कर मार दी। वहीं बता दें कि पिकअप की टक्कर से रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त हो गया है। रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त होने से लंबा जाम लग गया। वहीं पूरा मामला कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के अमापुर रोड के पास स्थित रेलवे फाटक का बताया जा रहा है। कहाँ जा रहे थे आप? स्कूल में जा रहा हूँ, पेपर का टाइम हो गया, फाटक लगा यहाँ पर जाम। कौन सी क्लास में पेपर है आपका? तो क्या कितने समय से फंसे हुए हो यहाँ पर? एक दो घंटा हो गया। तो लगभग अब किससे जा रहे हो? छुट्टी रास्ते में महिलपुर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है जब 900 ग्राम अवैध गांजा के साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर इंडो नेपाल बॉर्डर के पास से अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा गया है। अब खबर हरदोई से है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। आपको बता दें कि कार शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी और ड्राइवर की आंख लगने के कारण अनियंत्रित हो गई। कार में सवार 10 साल का बच्चा सहित 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वही हरदोई में अरवल थाना इलाके में किशोरी की गला घोटकर सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है और पुलिस ने इस मामले में मृतका के ताऊ चाचा को गिरफ्तार किया है जबकि मृतका के नाबालिग भाई को संरक्षण में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक किशोरी अपनी प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी और इसीलिए उसे गला घोटकर हत्या किया गया। युवक का बता दें कि युवती का सरसों के खेत में शव बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या के मामले का खुलासा हुआ जिसके बाद से मृतका के पिता ने बेटी के प्रेमी समेत 4 लोगों पर तहरीर देकर हत्या का मुकदमा पंजीकृत करवाया था। 5 फरवरी को थाना अरवल में एक गांव के बाहर सरसों के खेत में एक युवती की लाश मिली थी जिसका कि दुपट्टे से गला दबाया जाना प्रतीत हुआ था। इस संबंध में मृतका के पिता द्वारा आरोपित किया गया कि पूर्व में उसको ले जाने वाले युवक ने ही उसकी हत्या अपने भाइयों के साथ मिलकर के की है। पुलिस द्वारा जो घटनास्थल था, जो लाश की पोजीशन थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई थी, उस सब से संदेह हुआ और ये घर वालों से, आसपास के लोगों से गहन पूछताछ की गई। गहन पूछताछ करके और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके एडिशनल एसपी पश्चिमी समेत थाना अरवल की टीम ने इसमें आज ये खुलासा किया है कि यह घटना इसके मृतका के भाई, उसके चाचा और एक अन्य रिश्तेदार के साथ किया गया है क्योंकि उन्हें भय था कि शायद ये दोबारा भी उस लड़के के साथ चली जाएगी। गोरखपुर के चिल्लू आताल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर माफी गांव में हाथी का तांडव देखने को मिला जहां हाथी ने 3 लोगों को रौंद दिया जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में द्वितीय पाली की परीक्षा देने जा रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई है। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के भगवनीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भरिया गांव के निवासी कमरे आलम के बेटे कासिफ कमर आज इंटर की द्वितीय पाली की परीक्षा देने जा रहे थे। वहीं भवानीगंज थाना क्षेत्र के सिलोखरा चौराहे के पास तकियावा पुल पर 2 बाइक आपस में टकरा गई जिसमें से छात्र कासिफ कमर की मौत हो गई है। वहीं बयारा गांव निवासी युवक पूरी तरह से घायल हो गए हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए CHC बेवा पहुंचाया गया है। दूसरे छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही बता दें कि अकेली हॉस्पिटल बस्ती में उसे रेफर किया गया है।
हमारे यहाँ एक 18 साल का बच्चा जिसका तकनीवा पुल पे एक्सीडेंट हो गया था, वो तो बहुत ही गंभीर स्थिति में इमरजेंसी में इलाज के लिए आया। हमारे यहाँ डॉक्टर एमके वर्मा द्वारा जब उसका जांच किया गया तो ये पाया गया कि वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है और उसके सर में चोट लगी हुई है। सर में चोट लगने के कारण उसके नाक और कान से खून भी आ रहा था, गैसिंग कंडीशन में था, सेचुरेशन उसका गिर रहा था। तत्काल डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करते हुए अलीगढ़ जिला कारागार में लंबे समय से बंद महिला बंदियों के आधा दर्जन से अधिक बच्चों को जेल के अधिकारियों ने कृषि और प्रदर्शनी दिखाई है और साथ ही बच्चों ने झूले का आनंद भी लिया है। इस दौरान छोटे बच्चे जेल जिलाधिकारी और साथ ही पुलिस अंकल का शुक्रिया अदा करते नजर आए। ये सभी बच्चे एक यूनिफॉर्म में नजर आए थे और साथ ही आंखों में नुमाइश के दिलवाए गए चश्मे भी लगाते हुए नजर आए थे। कारागार में निरुद्ध जो महिलाएं हैं तो वो माताएं भी हैं, उनके साथ में जो बच्चे कारागार में निरुद्ध हैं जिसमें उनका किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, तो एक सामान्य रूप से ये सोचते हुए कि उनका बाल्यकाल, उनका अपना बचपन जीने के लिए वो अधिकृत है, उसी के निमित्त कारागार के द्वारा एक सार्थक पहल की गई है और जिसमें जिला अलीगढ़ में जो नुमाइश लगती है उस नुमाइश में उन बच्चों को मेले का आनंद लेने हेतु पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कारागार से भेजा गया और जिसमें जो है एक डिप्टी जेलर के नेतृत्व में एक टीम का गठित किया गया। प्रत्येक बच्चे पे एक कारागार कर्मी को तैनात किया गया था उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए और स्वयं मेरे अपने जो सरकारी गाड़ी है उसमें जो है बच्चों को आनंद लेने के लिए भेजा गया। बच्चों ने पूरे मेले का हर्षोल्लास के साथ आनंद लिया। नहीं, ये प्रथम बार जो है हुआ है। बहुत सारे अंकल के साथ बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने बहुत झूला था। अंकल ने बहुत कुछ दिलवाया, गुड़िया दिलवाई, चश्मा दिलवाए, झूले भी दिलवाए। किसके साथ आए हैं? जेल अंकल के साथ आए। पुलिसकर्मियों की और अधिकारियों की ये अनोखी पहल वाकई काबिल तारीफ है। हरदोई की खबर की बात करते हैं जहां अनियंत्रित कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई है। वहीं इस दौरान 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कछौना में भर्ती कराया गया जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने ट्रामा सेंटर लखनऊ उन्हें रेफर कर दिया है। गोरखपुर में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। यज्ञ के दौरान बता दें कि बिंद के हाथी ने गांव में जमकर उत्पात मचाया जिसमें 3 लोग की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। वहीं घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपये सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।